करेंगे तो सर अभी रिसेंटली हमने टू ईयर्स बैक महारानी आर्किट मीठा टावर अभी रिसेंटली वर्किंग में है सुदर्शन एंड कंप्लीशन इसमें है बशेर एंड अभी रिसेंटली हमारा ट्रेनिंग प्रोसेस में है बॉम्बे एनएक्स ये सेक्टर 17 में है और सानपाड़ा में देखेंगे तो रिसेंटली अभी चौरन कम्प्लीट किया गुनीना वन ईयर बैक सिक्विन हेरिटेज एंड ऑल्सो एनआरआई अपोजिट बनेसरी आई एस वाली का बिल्डिंग कारगर में किशन हारमोनी फोर ईयर बैक रघुनाथ विहार रेल विहार केंद्रीय विहार एंड जलवायु फेस वन टोटल बिल्डिंग्स कर रहा हूँ प्रोजेक्ट कॉस्टिंग टेंसिया ये मेरा कंपनी का बैकग्राउंड है सर ऑल्सो रीडेवलपमेंट का एक प्रोजेक्ट कर रहा हूँ मैं कुर्ला में जो बॉम्बे टैक्सी वन है जी प्लस सेवन का 36 बिल्डिंग वन बिल्डिंग दादर वर्ली नाके पे कंप्लीट किया है साई मिलन करके फोर ईयर सर आपके बिल्डिंग का डोर टू डोर सर्वे किया है जो फाइंडिंग हमने पाया है लीकेजेस का एज वेल इंटरनल लीकेज एक्सटर्नल लीकेज उसके बेस पे अगर एवॉफ फ्लैट का जो लीकेज है 14 लोकेशन पे है जो फ्लैट टू फ्लैट सर लीकेज है एंड एक्सटर्नल लीकेज 23 लोकेशन पे जो एक्सटर्नल मानसून में जो लीकेज आता है वो 23 लोकेशन पे है और इंटरनल सर लीकेज जो है जो कैपिलरी एक्शन होता है आपके फ्लैटों में ही जो आपके 2 फीट पे वो लीकेज दिखता है वो 16 लोकेशन पे एंड लीकेज फ्रॉम टेरिस टेरिस से 25 लोकेशन पे लीकेज है आपके टेरिस से प्लम्बिंग डिफेक्ट माइनर है जो नीड बेस्ड रिपेयर कर सकते हैं 1 लोकेशन पे प्लम्बिंग का लीकेज दिखा है स्ट्रक्चरल डैमेज मेन चीज है स्ट्रक्चरल जो डैमेजेस दिखे है 72 लोकेशन पे एक्सटर्नल एंड ऑल्सो इंटरनल ऑलमोस्ट 90% एंड फ्लैट वाइज इंडिविजुअल सर इसमें कलर कोड भी दिया है फ्लैट में लीकेज है कहां पे भी आपका स्ट्रक्चरल डैमेजेज है अगर एक्सटेंशन है वो भी इसमें मेंशन किया है ऑन ड्राइंग अकॉर्डिंग टू यू ये स्ट्रक्चरल डैमेज जो बाहर में से दिखा कि कितना पुराना कितना हाउ ओल्ड इट इज डैमेजेज जो है अभी उसमें एज तो डिफाइन नहीं कर सकते मैडम बट अभी कोरोजन बेस स्टार्ट हुआ हमारे बिल्डिंग 2 इयर्स बैक बाहर से पूरी स्ट्रक्चरली सारा ठीक हुई थी कितना साल होगा आपने क्या Now yes. this damage is how old? You have machines to check. Now tell us because we are paying again for the same problem. Second thing, we have already paid after repair. How many years to follow? मैडम आपका 8 ईयर्स बैक जो बिल्डिंग रिपेयर्स एंड पेंटिंग हुआ है तो सर क्या होता है कि आपने एक्रेलिक पेंट लगाया एवरी वेदरिंग में जो धूप और बारिश लगता है 50-20% उसका सेम निकलता है तो वेदरिंग का इंपैक्ट होता है जो रिसाइकल है क्रैकलिंग एंड पेंटिंग का 1 सेकंड मैडम